खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 4। न्यूज इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन संभाग के देवास जिले में आने वाले थाना क्षेत्र नेमावर में 5 लोगों की हत्या करके जमीन के अंदर दबा दिया गया था और फिर पुलिस ने जांच की, मृतक 5 शवों को निकाला गया जमीन के अंदर से। उज्जैन आईजी ने किया निरीक्षण और फिर हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, हत्या के कारणों का किया खुलासा मीडिया कर्मियों के समक्ष। एक एक करके हत्या करके तो उनको अपने खेत में 12 फीट नीचे गाड़ दिया था। इसी दौरान जब पूछताछ चल रही थी, रेगुलर पूछताछ के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनालाइज करने के दौरान पुलिस को ये तथ्य सामने आए हैं। लगातार पुलिस जब पूछताछ करती रही है तो इन पे जब शंका ज़्यादा हुई है और पूछताछ के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है, इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। इसमें अभी तक का पुलिस ने 7 लोग को राउंड अप किया है और इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। सर आगे भी और इससे जुड़े तार और भी, देखिए ये तो अभी तक का इतनी जानकारी है और ये जानकारी की पुष्टियां भी हो रही हैं। इसके बाद अगर कोई तथ्य आएंगे तो उस पर हम ज़रूर हमारी टीम पूछताछ करेगी इन लोगों से, वरना अभी तक जो है इसमें इमीडिएट प्रोवोकेशन वो महिला से के संबंध थे और उसे परेशान होकर इन लोगों ने मिलकर ये वारदात की है। सभी ने अपना अपना रोल अदा किया है और एविडेंस को छुपाने की कोशिश की है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन जैसा सभी को विदित है पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, क्राइम बहुत दिनों तक नहीं छुपता है, अल्टीमेटली ये सब खुलासा हो ही गया। वाहन वगैरह का उपयोग भी किया? वाहन वगैरह का उपयोग हुआ है अभी तो, जो जानकारी मिली है उसमें वाहन का भी उपयोग है, लेकिन वाहन अभी तक का जो जानकारी मिली है वो जो मृतक पक्ष हैं उनके वाहन की यूज़ होने की जानकारी मिली है। अन्य वाहन जो इसमें आए हैं उसमें पूछताछ अभी जा रही है कि अन्य कौन कौन से वाहन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। सर आप कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, जबकि नेमावर थाना अंतर्गत ही ये लाशें मिली गई हैं और 45 दिन बाद कहीं ना कहीं पुलिस के कार्रवाई पर भी नहीं, पुलिस की कार्रवाई में कोई लेतलताफ़ी नहीं है। मैंने पूरे यहाँ की कल रात को पूरी केस डायरी इनकी देखी है, सभी अधिकारियों से मैंने बात की है, यहाँ के सभी इंक्लूडिंग एसपी और उनकी पूरी टीम ने लगातार जिसमें हर एक दिन इसमें काम किया है, कई जगह रेड्स किए हैं, छोटे से छोटा जहाँ सूत्र मिल सकता है उसकी पहचान करने के प्रयास किए गए हैं, करीब 80 मोबाइल नंबर्स को डिटेल्ड में एनालाइज किया गया है, यहाँ तक कि जो रूपाली कहाँ अमेज़ॉन से कुछ खरीदती हो या स्विगी में कुछ ऑर्डर करती हो ऐसे भी लोगों से पूछताछ की गई है, तो वृद्ध स्तर पे इस पर जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। हाँ ये सत्य है कि आरोपी शातिर माइंडसेट के साथ पुलिस को गुमराह करता रहा, रूपाली का मोबाइल ऑन था, वहाँ से पोस्ट डालते रहे ये दर्शाने के लिए शायद कि वो जिंदा है, तो वो सब एविडेंसेस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं और भरसक और अच्छे प्रयासों के बाद जांच की गई है, तो वृद्ध स्तर पे इस पर जानकारियां प्राप्त की गई हैं। हाँ ये सत्य है कि आरोपी शातिर माइंडसेट के साथ पुलिस को गुमराह करता रहा, रूपाली का मोबाइल ऑन था, वहाँ से पोस्ट डालते रहे ये दर्शाने के लिए शायद कि वो जिंदा है, तो वो सब एविडेंसेस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं और भरसक और अच्छे प्रयासों के बाद पुलिस को ये सफलता मिली। न्यूज़ इंडिया 4 चैनल की अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।